नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट डिमांड मुझे किया गया है। जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने ऊपर डाला है कि जिसका कब्जा उसकी ज़मीन, तो उस वीडियो में मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं जिसमें ये बोला गया है कि इसका प्रोसेस क्या है। जबकि मैंने उस वीडियो पर ही प्रोसेस काफ़ी अच्छे से बताया था मैंने, लेकिन बहुत बार लोगों ने पूछा कि हम कैसे इसको करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस बताइए। तो आज का मेरा वीडियो उसी पे है कि अगर आपने कोई एडवर्स पोजीशन कर लिया है तो कैसे आप उस जमीन को अपना नाम में आप करवा सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा दीजिएगा और लाइक को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई ज़मीन पे कब्जा किया है, कोई एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जा जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपने कर लिया है तो कैसे उसको आप अपने नाम पे आप करा सकते हैं। ये जो लीगल प्रोसेस है मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहला चीज़, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन में दो चीज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब अगर ये वो ज़मीन जो है किसी प्राइवेट पर्सन की है और उसको आपने कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसमें आपका जो एडवर्स पोजीशन का टाइम जो है वो 12 साल का है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन आपने पकड़ के रखी है तो उसका टाइमलाइन जो है वो 30 साल का है। इन दोनों ही बात में एक चीज कॉमन है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि अगर 12 साल हो या फिर 30 साल हो, इसमें कभी भी कोई भी इंटरप्शन, मतलब आपको कभी भी जमीन से खाली कराने का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस में क्या हो सकता है, कोई FIR नहीं हुई है आपके अगेंस्ट में, या कोई कोर्ट में केस नहीं गया आपके अगेंस्ट में, या कुछ भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से उस जगह पे 12 साल प्राइवेट प्रॉपर्टी में, 30 साल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आप रहे हो और कोई भी आपको उस पर डिस्टर्ब नहीं किया है, तब आप उस जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हो। क्या कानूनी प्रक्रिया है इसकी, अब आते हैं प्रक्रिया पे। स्टेप 1, सबसे पहला चीज जो मैं प्रोसेस से ज्यादा मुझे लगता है सबसे पहले ये चीज हमारे पास होना है तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाते हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है कि आपके पास में जमीन का जो कब्जा है वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो 12 साल का हो चाहे वो 30 साल का हो। अब ये डॉक्यूमेंट्स, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सकते हैं, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप दे रहे हैं तो बिल्स हो जाता है, वाटर बिल्स हो जाता है, फोन बिल हो जाता है, क्या बोलते हैं आपका बैंक का जो होता है किताब होता है उसमें भी एड्रेस आ जाता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो सरकारी हो या अगर प्राइवेट भी है तो मतलब उसकी मान्यता हो, जिसमें आपका वो एड्रेस दिया गया हो, दिया है और साथ साथ पे तारीख भी मेंशन हुई है कहीं ना कहीं पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में आप दिखा सकते हो कि आपका कब्जा कंटिन्यूअसली, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास में कंटिन्यूअसली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपका पानी का बिल का, ठीक है, पानी का बिल आपके पास में कंटिन्यूअसली 12 साल का है या 30 साल का है, बिजली का बिल आपके पास कंटिन्यूअसली 12 साल का है या 30 साल का है, मतलब कंटिन्यूअसली आपके, वो क्या दिखाता है वो डॉक्यूमेंट, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट ये दिखाता है कि आपके पास में वो जो ज़मीन है जो कब्जा है वो कंटिन्यूअस में है, मतलब आप कंटिन्यूअसली उस ज़मीन पर रह रहे हो और कोई भी आपको उस पर बेदखल करने की कोशिश नहीं की है, राइट। तो ये पहला, मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, अब जब आपका ये हो गया है तो आपको जमीन को अपने नाम में करवाना है ना, तो सबसे पहला चीज आपको ये करना होगा कि आपको आपके जो नजदीक के जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज होते हैं, तहसीलदार या जो भी होते हैं, वहां पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक पिटीशन या एप्लीकेशन, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपने ये जमीन को इतने साल से आपके कब्जे में है और अनइंटरप्टेड कब्जा है, ये जमीन आप मेरे नाम पे अभी करके दीजिए। ये लिख के देने से क्या होगा, अधिकतर कुछ नहीं होता है ये अगर आप लिख के देते, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है क्योंकि ज़मीन का आपके नाम कराने का अधिकार तो उन्हीं के पास में है ना, वही करेंगे, करने वाले अथॉरिटीज़ तो वही है, तो सबसे पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आप कब करेंगे, कब आप पिटीशन दे देंगे, ऐसा नहीं कि आज मैंने ज़मीन पकड़ा और कल मैं पहुँच के तहसीलदार ऑफिस में एप्लीकेशन देने, जी नहीं, जब कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया आपके पास 12 सालों के पास, 12 साल मतलब ऐसा भी नहीं कि 12 साल खत्म हो के एक दिन नहीं बार पहुँच गए, एटलीस्ट है 15, 13, 14 साल हो गया तब जा रहे हो प्राइवेट प्रॉपर्टी में, या सरकारी ज़मीन भी हो गई तो हाँ 30-40 साल, 35-40 साल हो गया तब आप जा रहे हो, तब आपको एक एप्लीकेशन देना है, या 12 साल के तुरंत बाद भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो, ऐसा कुछ मना ही नहीं है, लेकिन देना पड़ता है, पहला काम ये होता है। इसके बाद में
जो प्रोसेस होता है उस पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कि मैंने तो एप्लीकेशन दे दिया आपके तहसीलदार पे, अब एप्लीकेशन देने के बाद में तहसीलदार क्या कर रहा है? तो अगर तहसीलदार यूजली वो कुछ नहीं करते हैं, लेके वो रख लेते, कुछ नहीं करते, तो आपके पास में दो ऑप्शंस रहता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, है ना, हाई कोर्ट में जाके आप मैंडमस की एक एप्लीकेशन फाइल करो कि मैंने ये एप्लीकेशन तहसीलदार को दिया था, ये जमीन मेरे नाम में करवाने के लिए, तहसीलदार इस एप्लीकेशन में कुछ नहीं कर रहा है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, डायरेक्शन देता है तहसीलदार को कि इसने जो एप्लीकेशन दिया है इसको निपटा। तो फिर क्या होता है, वो ऑर्डर के बाद में फिर तहसीलदार उस एप्लीकेशन को देखता है, फिर अपने आगे की जो भी उसकी जो प्रोसेस होती है, अपना पटवारी वगैरह को भेज के मंगाना, आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा, देखेगा, जो भी है वो करने के बाद में अगर उसको लगता है कि आपका होना चाहिए तो वो आगे का काम वो कर देता है। लेकिन ये यूजली उतना ईजी नहीं होता है, पर कुछ कुछ केसेस में हो भी जाता है। जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है सिविल कोर्ट का ऑप्शन। अब आपने ज़मीन अपने तहसीलदार को दिया, उसके बाद उससे कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको इस केस में तहसीलदार को भी एक पार्टी बनाना पड़ेगा जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट पर्सन जिसके नाम पे वो ज़मीन है, इन दोनों को ही आपको ऊपर में आपको केस करना पड़ेगा। पर उससे पहले आपको ATCPC का एक नोटिस जो है वो तहसीलदार के यहाँ पे देना रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में केस करते हैं तो सबसे पहले हमें उनको एक ATCPC का नोटिस देना पड़ता है, जिसमें 60 दिन या 80 दिन का टाइम रहता है, उसके बाद में ही आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ये तो प्राइवेट जो केसेस, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसमें आपने 12 साल या 13 साल तक कब्जे की, उसकी बात कर रही हूँ। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आपने किया तब तो ये एकदम करना ही है, आपको पड़ता है, मतलब करना तो दोनों ही केस में पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को पार्टी बना रहे हो, बनाना ही पड़ता है, बेसिकली नंबर वन रेस्पॉन्डेंट वही होते हैं, तो आपको ATCPC का नोटिस देना ही पड़ेगा। इस नोटिस के टाइमलाइन के बाद ही, यूजली इसका 60 डेज या 90 डेज होता है, उसके बाद में ही आप सिविल कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करोगे, जो भी ज़मीन का जो आपका वैल्यूएशन आता है उसके हिसाब से आप कोर्ट फी फाइल करोगे, और एक टाइटल सूट आप फाइल करोगे, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का एक होता है टाइटल सूट, वो आपको फाइल करना पड़ता है। अब वो फाइल करोगे, फाइल करने के बाद में जैसे सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, जो स्टेप्स होते हैं, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया जो मैंने लिंक ऊपर डाल दिया, वो भी आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोसेस होने वाला क्या, मतलब प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो होगा। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास में बहुत तगड़े और अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सिविल कोड ही उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपके नाम पे वो ज़मीन करने का डायरेक्शन दे देगा या ऑर्डर कर देगा। ये तो रहा प्रोसेस आपका एडवर्स पोजीशन को, कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया आप करेंगे तो आप अपने नाम में उसे करवा पाएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो उसमें प्राइवेट पार्टी को आप बना रहे हो, उसे भी आके कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि वो 12 साल तक साइलेंट क्यों था, उसने कभी कोई ये क्यों नहीं किया है, मतलब कोई दखलअंदाजी क्यों नहीं की है, कोई अफेयर क्यों नहीं किया है, कोई कोई केस क्यों नहीं किया है, तो वो भी ज़रूरी होता है। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपने प्राइवेट पार्टी को पार्टी नहीं बनाया। हाँ, अगर आपको उनको वेयर अबाउट्स नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो वो अलग बात होती है, उसमें भी आपको बताना पड़ता है, वो डालना पड़ता है न्यूज़पेपर में, उसका एक होता है पब्लिकेशन होता है, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है उसमें। तो आई होप व्यूवर्स, आपके जो डाउट्स थे वो मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और मेरे बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।